टाइम न्यूज की ओर से समस्त देश एवं प्रदेश वासियों को गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र में 8 महीने पहले हुई 30 लाख की चोरी के मामले में पुलिस द्वारा अभी तक आरोपियों को नहीं पकड़ा गया है, तो वहीं जीवन भर की कमाई की हुई चोरी के मामले में फरियादी द्वारा तमाम अधिकारियों को आवेदन देकर चोरों पर कार्रवाई की गुहार लगाता हुआ नजर आ रहा है। चोर सीसीटीवी में भी कैद हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस के हाथ से कोसों दूर हैं। इंदौर के तुकोगंज थाना क्षेत्र में रहने वाले डॉक्टर उत्तम जगताप के घर पर 1 फरवरी 2023 को अज्ञात बदमाशों द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें तकरीबन 30 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया था। पूरे मामले में फरियादी उत्तम द्वारा कई बार पुलिस अधिकारियों की दहलीज पर आवेदन देकर बदमाशों को पकड़ने की गुहार लगाई थी, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर सीसीटीवी फुटेज और अन्य कई साक्ष्य भी दिए थे, लेकिन इंदौर पुलिस कमिश्नर की पुलिस द्वारा अभी तक इन चोरों को नहीं पकड़ा गया। और वहीं फरियादी का कहना है कि हमेशा वो आवेदन देकर चले जाते हैं और पुलिस केवल पकड़ने का आश्वासन देती है, तो वहीं उन्होंने घोषणा की है यदि पुलिस इन आरोपियों को पकड़कर उन्हें न्याय नहीं दिलाती है तो पूरी पुलिस विभाग को वो उचित इनाम से भी नवाजेंगे। यदि कोई व्यक्ति भी उनकी जानकारी देता है तो उसे भी इनाम दिया जाएगा। दरअसल फिर एक बार उन्होंने पुलिस जनसुनवाई में अधिकारियों से गुहार लगाई है। देखना होगा कि अब पुलिस ने उन्हें 4 दिनों का आश्वासन दिया है, देखना होगा कि अब पुलिस आरोपियों तक पहुंच पाती है या नहीं। बताएं क्या घटना हुई थी सर? 1 फरवरी को हमारे घर में दिन दहाड़े 2:30 बजे दिन में चोरी हुई थी, जिसमें चोर 30 लाख की ज्वेलरी और 80,000 रुपये नगद लेके चले गए थे। उस विषय में 15 दिन तक पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया, पर उसके बाद पुलिस लापरवाह हो गई और उसका रिजल्ट ये रहा कि आज सितंबर चल रहा है और इसके बीच में एक बार हम असिस्टेंट कमिश्नर साहब को भी आवेदन दे चुके हैं तो अभी कोई एक्शन नहीं हुआ। आज फिर हमने कमिश्नर साहब को आवेदन दिया है, अब देखते हैं आगे क्या एक्शन होगा। सीसीटीवी में क्या नजर आ रहा है? सीसीटीवी कैमरे में क्लियर वीडियो भी हैं और फोटो भी हैं चोर के। इवन पुलिस ने यह बताया कि वो सिकलीगढ़ सरदार हैं, लेकिन पकड़ने में असमर्थ है। क्या कहना, अब आपने आवेदन दिया तो क्या कहना पड़ता? उनका ये कहना है कि अब हम कुछ इस पे रिमेनिंग पार्ट पे एक्शन लेते हैं और कोशिश करेंगे कि पकड़े उनको। सर कौन से थाने का मामला है? कौन से थाने का मामला है? तो क्या कितनी बार शिकायत आवेदन दिया चुके हैं? हम एक बार असिस्टेंट कमिश्नर साहब को दे चुके हैं, 4 बार TI साहब से मिल चुके हैं और अभी है तो कमिश्नर साहब को भी अब आवेदन वापस। सीएम हेल्पलाइन पे भी कंप्लेंट किया, 30 लाख के ज्वेलरी की चोरी हुई है और 80,000 रुपये नगद। क्या बैकग्राउंड है सर आपका? मैं प्रोफेसर हूँ, मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ। क्या कारण है पुलिस की कार्रवाई में देरी कर रही है? इसका कारण तो लापरवाही बोलेंगे। डॉक्टर उत्तम जगताप। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।